हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आजकल मैंगो का सीजन चल रहा है, तो मैंने सोचा आज कुछ मैंगो की रेसिपी बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो चलो अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने दो मैंगो ले लिए हैं, इनको मैंने वॉश करके ले रखा है। अब इसे हम ऊपर के पार्ट को काट देंगे और इसको हम एक साइड रख लेंगे और चाकू की सहायता से इसको चारों तरफ कट लगा देंगे और गुठली से हम आम का पल्प निकालेंगे और हमें सिर्फ गुठली बाहर निकालनी है। तो ये हमारी गुठली आसानी से बाहर निकल गई है। इसी तरह हम दूसरे मैंगो की भी गुठली को निकाल लेंगे। तो ये दोनों मैंगो की गुठली निकल गई है। अब इसको हम रख लेंगे और दूसरी साइड चलते हैं। यहाँ पर हमने पैन चढ़ा दिया है और एक गिलास दूध ले रखा है। तो अब इसमें डाल देंगे हम 4 चम्मच चीनी। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में ले सकते हैं। और इसमें स्वाद के लिए डाल देंगे हम इलायची पाउडर। तो यहाँ पर मैंने 1/2 चम्मच इलायची पाउडर यूज कर रखी है। और अब इसमें डाल देंगे हम 1 कटोरी मिल्क पाउडर और सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें गुठली भी ना बने। और दूध को हमने तब तक पकाते जाना है जब तक ये 1 गिलास से 1/2 गिलास ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, दूध अच्छे से पक चुका है। तो अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो ये दूध हमने ठंडा करने रख दिया था। अब इसको हम मैंगो में भर देंगे। दोनों मैंगो में हमने इसको भर देना है। तो ये देखिए, ये अब थोड़ा ठंडा होकर गाढ़ा हो चुका है। इसी तरह हमने दोनों मैंगो में इसको भर दिया है। अब इसको हम ऊपर से ढक लेंगे, दोनों मैंगो को अच्छे से ढक कर। अब इसको हम फ्रिज में रख लेंगे। तो 7-8 घंटे हमने इसको फ्रिज में रखना है। 7 hours later। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि हमारी मैंगो स्टफ्ड कुल्फी बनके रेडी है कि नहीं। तो अब हमने इसे फ्रिज से निकाल दिया है। ये देखिए, इसके चारों तरफ पूरी बर्फ जम गई है। तो फ्रेंड, इसे हम 2-3 मिनट रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे ताकि इसके थोड़े बर्फ मेल्ट हो जाए। ये हाथ में पकड़ा भी नहीं जा रहा, बहुत ठंडा हो रखा है। और हमने इसको थोड़ा 2 मिनट रेस्ट करने के लिए रखा। अब इसके हम पूरे छिलके उतार देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी मैंगो स्टफ्ड कुल्फी बन के रेडी है। अब इसको हम कट करके देखते हैं। ये देखिए कितना टाइट हो रखा है, ये पूरा जम रखा है। पर ये खाने में बहुत टेस्टी होगी फ्रेंड्स। एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर बना के देखना, आपको ये मैंगो स्टफ्ड कुल्फी ज़रूर पसंद आएगी और बनाने में भी बहुत इजी है। तो फ्रेंड, इसको मैंने गार्निश करने के लिए कुछ बादाम काट रखे थे। अब इनको हम बादाम से गार्निश कर लेंगे। आपके पास और भी ड्राई फ्रूट हो तो आप उनसे भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें, आपके बच्चों को ये बहुत पसंद आएगी। और मैंगो वैसे भी फलों का राजा है, प्रोटीन से भरपूर है। तो आप इसको बना सकते हैं और बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी है। तो फ्रेंड्स, एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है हमारी कुल्फी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।